हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आप लोग के लिए नागपुर सॉन्ग में वीडियो एडिटिंग करके लेके आ चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का प्रीव्यू को हम लोग देख लेते हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहे। हाँ तो दोस्तों आज का स्टेटस के सलाह कमेंट करके जरूर बताना। चलिए दोस्तों आज का स्टेटस को बनाते हैं, तो आप लोग वीडियो में बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को अलाइट मशीन को ओपन कर लेना, ठीक है। इस प्रकार से अलाइट मशीन ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे में यहाँ पर प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर सॉन्ग बीट मार्क और सेकीबैक और टेकलेस, इन तीनों प्रोजेक्ट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से इनपुट कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को सॉन्ग बीट मार्क को ओपन कर लेना, ठीक है गाइस। इस प्रकार से ओपन कर लेना। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर बीट आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन सब बीट में आप लोग को फोटो ऐड करना, ठीक गाइस। तो फोटो ऐड करने के लिए यहाँ पर नीचे में यहाँ पर आप लोग को प्लस का एक आइकॉन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मीडिया को उसमें क्लिक करना, फिर यहाँ से आप लोग को फाइल ओपन हो जाएगा। जिस फाइल में आप लोग का फोटो रहेगा उस फाइल से यहाँ से फोटो को ले लेना, ठीक है। तो यहाँ से हम एक फोटो को ले लेते हैं। यहाँ से फोटो को लेने के बाद फिर ऊपर साइड में यहाँ पर थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से फोटो को फिल कंपोजिशन एरिया ऑप्शन में क्लिक करना, तो फोटो फुल स्क्रीन में हो जाएगा, ठीक है गाइस। उसके बाद यहाँ पर तीर के निशान एक तो मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना और एक बार क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पर दो बार क्लिक करना है इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो फोटो बीट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा बीट में। उसके बाद फिर अगला फोटो को ऐड करने के लिए फिर यहाँ पर प्लस ऑप्शन में क्लिक करना है, फिर यहाँ पर मीडिया को उसमें क्लिक करना और फिर यहाँ से अगला फोटो को ऐड करना, ठीक है। फोटो को ऐड करने के बाद फिर यहाँ पर ऊपर साइड में थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ से फोटो को फिल कंपोजिशन एरिया ऑप्शन में क्लिक करना, ठीक गाइस। उसके बाद फिर यहाँ पर तीर के निशान में क्लिक करना और एक बार क्लिक करना, फिर यहाँ पर क्लिक करना, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार से ऑल बीट में फोटो को ऐड करना है। तो चलिए दोस्तों हम ऑल बीट में फोटो को ऐड करते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। तो फाइनली दोस्तों हम ऑल फोटो को ऐड कर चुके, तो आप लोग भी इसी प्रकार से ऑल बीट में ऑल फोटो को ऐड कर लेना, ठीक है। उसके बाद फोटो में इफेक्ट लगाना, उसके लिए फिर बैक आ जाना और फिर यहाँ पर सेक इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर फोटो ऑप्शन में क्लिक करना, फिर यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ से यहाँ पर थ्री डॉट का ऑप्शन में क्लिक करना और यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर देना है, उसके बाद फिर बैक करना, ठीक है। और फिर यहाँ पर सॉन्ग बीट मार्क को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर यहाँ पर फोटो का ऑप्शन में क्लिक करना, फिर यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना, फिर यहाँ पर बाएं साइड में थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ से पेस्ट पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों इसी प्रकार से ऑल फोटो में इफेक्ट को पेस्ट करना। चलिए दोस्तों हम ऑल फोटो में इफेक्ट को पेस्ट करते हैं, उसके बाद आगे प्रोसेस बताते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम ऑल फोटो में इफेक्ट को पेस्ट कर चुके, तो आप लोग भी इसी प्रकार से ऑल फोटो में इफेक्ट को पेस्ट कर लेना, उसके बाद फिर बैक कर देना, ठीक गाइस। उसके बाद यहाँ पर टैग लेस को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ऊपर में यहाँ पर प्लस का एक आइकॉन मिलेगा, यहाँ पर प्लस का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना है और सबसे पहले सेलेक्ट वाले लेस को कर देना है। उसके बाद फिर प्लस का उसमें क्लिक करना और यहाँ से कॉपी 31 लेस को कर देना है, उसके बाद फिर बैक कर देना है और फिर सॉन्ग बीट मार्क को ओपन करना है और फिर यहाँ पर प्लस का ऑप्शन में क्लिक करना और यहाँ से पेस्ट 31 लेस को कर देना, ठीक है। तो वीडियो कुछ इस प्रकार से बनकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को टेक्स्ट लेस मिलेगा। टेक्स्ट लेस अगर आप लोग को यहाँ पर फॉन्ट लगा हुआ तो फॉन्ट आप लोग को लगेगा नहीं, इसीलिए फॉन्ट को लगाने के लिए यहाँ पर टेक्स्ट लेस को ऑप्शन में क्लिक करना, फिर यहाँ पर एडिट टेक्स्ट के ऑप्शन में जाना है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर में यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर व्यू ऑल फॉन्ट के ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ से फिर यहाँ पर थ्री डॉट के ऑप्शन में क्लिक करना, फिर यहाँ पर इम्पोर्ट फॉन्ट यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से फॉन्ट को ऐड कर लेना, ठीक है। हम फॉन्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे देंगे, तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से फॉन्ट को यहाँ से इनपुट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर फिर बैक कर देना है, तो फॉन्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जो फॉन्ट ऐड करेंगे वो फॉन्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा, उस फॉन्ट को यहाँ पर क्लिक करना है। एक बार इस प्रकार से क्लिक करना है तो फोटो फॉन्ट ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर साइन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो वीडियो आप लोग को कुछ इस प्रकार से बनकर रेडी हो जाएगा, देख सकते हैं। प्रीव्यू आप लोग को दिखा देते हैं। और लगिन रोमांटिक गिटार बजाऊं।
तो दोस्तों आप लोग देख चुके होंगे वीडियो कुछ इस प्रकार से आप लोग के सामने बनकर रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।